when I realized my sexuality, when I had my first sex. I was some different, so I decided to read books. So I read books on homosexuality. I started reading books. My family was, I don't know, they were abnormal or some other universe. I read my first book, Everything You Wanted to Know About Sex, but Were Afraid to Ask. And I was only 12 years old. And I gave it to my grandfather to get it bound. My grandfather never asked me a question, why I'm reading a book on sex when I'm only 12 years old. By the time I was only 14 or 15, I read Kama Sutra and gave it to my father to get it bound. My father also never asked me a question. So I had a very supportive family where they gave me space to express myself, to be what I am, and that gave me a huge opportunity. So through those books and a magazine, I started getting in touch with people all around. And that is how I came in touch with Shivananda Khan, with other people. And that is how we five of us came in touch, and we decided we need to do something for the people like us. We need to start something, an initiative, where young men can come and seek support. In 2009, European Union gave a fund to NAS Foundation International, which was again to strengthen MAN-AIDS Foundation as an organization, as an institution. Also 50 other community-based organizations which were strengthened as a part of that grant. The other major help came from World Bank. BFIT PMO was one of the major funds which we received, establishing 36 new CBOs across 4 states. The program which we are running is one of the CEDA, which doing some human rights work. Then we have got Global Fund Regional Program, which is strengthening 60 another community-based organization and building their capacities. We are human beings. We are dealing with human lives. We have a lot of issues other than HIV in our day-to-day lives. We can't just achieve our targets and leave it at that. Our name is Farhan Khan and we are also a Koti. और कोती कमेटी के साथ हम जो है वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. मेरी और उनकी सबकी लाइफ एक ही जैसी होती कोती की. कोती में ये प्रॉब्लम है कि उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं. वो कहते हैं गलत लड़का है, गलत रास्ते पे जा रहा है. यहाँ रहा, मगर कोती की जो होती है वो अपने को फीमेल समझती है, लड़की की तरह बिहेवियर होता है उसका. प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है हरेसमेंट, कि लोकल गुंडे हो गए, उन्होंने के साथ ज़बरदस्ती रेप किया. पुलिस वाले हैं, दरोगा जो होते हैं, वो उनको डांटते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, गलत काम कर रही हो. वो समझ जाते हैं कि थोड़ा सा लहरा बल खा रही है, कोती है, तो पुलिस वाले लोकल गुंडा बहुत प्रॉब्लम खड़ी करते हैं. और मेरी लाइफ में तो ये है कि हमने अपने को शुरू से एक लड़की की तरह महसूस किया, फीमेल थी, मतलब मैं कोती हूँ और मेरा अट्रैक्शन ज़्यादातर बॉयज़ से रहता है, लड़कियों से रहता है, मगर लड़कियों से एक फ्रेंडशिप की तरह है. और कुछ मतलब दो एक बॉयफ्रेंड है भी मेरा, जिसने हमसे एंगेजमेंट की और वो शादी भी करने को कह रहा है. देखिए पता नहीं कहाँ तक क्यों सच है क्या है. और हमारी लाइफ तो बहुत ही ख़राब है. हमें तो 3 पार्ट्स निभाने पड़ते हैं. अपने घर में बिल्कुल अपने को चेंज करके रखना पड़ता है, बाहर निकले पब्लिक में तो चेंज करके निकलना पड़ता है, स्टेज पे हम डांसर हैं तो डांस के हिसाब से अपने को बिहेवियर करना, वो सब करना, वो भी करना पड़ता है. तो हमें तो 4 तरीके से अपने को मूविंग करना पड़ता है. मतलब ये नहीं समझ में आता है कि जो कोती हैं, MSM हैं, कि आगे उनका क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे. क्योंकि जो भी पार्टनर होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी भी एक लड़की से शादी करेगा, वो मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता पूरी तरीके से. तो ये सब तो हम लोग जानकर भी हम लोग ये गलती करते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, हस्बैंड मान लेना कि मेरा हस्बैंड है ये, तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं कोती लाइफ में. और मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू शुरू में, हमारा रेप भी हुआ, बॉयज़ बियर शॉप से उठा ले गया. तो जहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं होता जहाँ पे, वहाँ हमें ले गए थे, तो ज़बरदस्ती सेक्स करने के लिए प्रमोट कर रहे थे. तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम खड़ी होती कोती लाइफ में. उनका सपोर्टिंग ये है कि अगर हम सपोर्ट करना चाहें तो हमें भरोसा वाले सपोर्ट करते हैं, मेरे ऑफिस वाले सपोर्ट करते हैं, मगर क्या उसके लिए हमें ओपन होना पड़ेगा. हाँ, तो उससे मेरे घर की प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वालों के सामने हम नहीं कह सकते कि हमारा क्या बिहेवियर है स्टूडेंट लाइफ में. तो बहुत ही परेशानियाँ हुई, लड़कों ने कमेंट्स किए कि कैसे ये बोल रहे हैं, कैसी इनकी आँखें हैं, कैसा फेस है, क्या है चाल ढाल, हर चीज़ को प्रॉब्लम खड़ी हुई. तो उसके लिए भी काफ़ी हमने संघर्ष किया, सामना किया लोगों का, पढ़ाई की, मगर उन पर ध्यान नहीं दिया.
हम लोगों को कोती लाइफ में होता है, हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या है हम लोग का, क्या कोई एक लड़का एक लड़की का साथ निभाएगा जिंदगी में? नहीं, नेवर। हाँ, ये एक दोस्त बन के जिंदगी भर साथ में रह सकते हैं, मगर कहीं एक लड़का एक लड़की के साथ, एक लड़का एक लड़के का साथ जिंदगी भर निभाए, नहीं हो सकता। कि हम लोगों की लाइफ तो बिल्कुल बेकार होती है, लेडीज़ है लड़कियों की लाइफ अच्छी है, बॉयज़ है उनकी लाइफ अच्छी है, मगर जो कोती लाइफ होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। अगर इंगेज शादी भी कर लेते हैं किसी गर्ल्स से, तब पर भी उनका खिंचाव एक बॉयज़ की तब रहता है, इस लोगों के संघर्ष करके उनसे शादी कर ली, मगर आगे चल के वही कोती भी शादी करती है उसके, और शादी करने के बाद भी उसका बिहेवियर वैसे ही रहता है, उनका बिहेवियर वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होते हैं। कि जैसा कोती लोग के साथ बिहेवियर हो रहा नहीं होना चाहिए MSM का मेटी के साथ, और इसका जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत सी कोतियाँ नहीं अच्छी होती हैं शक्ल सूरत, तो पैसे के बलबूते पैसे पूरी पूरी 10-12 हज़ार तनख्वाह होती लोगों की, उन्होंने लाए तनख्वाह अपने बॉयफ्रेंड पर लुटा दिया, उनके परिवार वाले पर लुटा दिया, और सोच रही हैं बहुत खुश है, हमारे साथ है, हमें प्यार कर रहा है। उसको क्या, उसको तो नीड पूरी करनी है, बॉयज़ जो होते हैं उन्हें सेक्स करना होता है, अरे वाइफ के साथ एक दिन नहीं एक दिन इसके साथ कर लेंगे, मगर यहाँ पैसा तो मिलना है, उसको ज़रूरतें पूरी हो रही है ना। आउटरीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, जो नए बंदे होते हैं उनसे मिलना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पहले उनका विश्वास जीतना पड़ता है हमें, उनके साथ फ्रेंडशिप करके 2-3 दफ़ा मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्विसेज देना शुरू करते हैं, मगर वो गोपनीयता रहती है हमारे यहाँ। हमारे सबसे अच्छे ये कि किसी भी बंदे की कोई बात कोई किसी से कहेगा नहीं। When I was 8 years old, I'm having feelings like female characters. And my thinking was that I'm the only person who likes boy. Teacher were having no good response to me, and they were having stigma. Because of their behavior, I was unable to study, and because of teacher. He was teaching me, teasing me, so my colleagues and my classmates used to also, you know, tease me. So my father was saying, what is the problem with you? Why you are going day by day so bad in studies? I don't tell him that what problem I was facing in school. Just I lie to him. So my father said that, okay, we are going to give a good tutor to him now. Same thing he was having, so I was not concentrating on my studies there also. My principal gives one suggestion to my father that put him in boarding. It was my, you know, a big incident in my life. One time some boarding boys came to me and they started kissing me. They were, you know, they were trying to rape me actually. So my school captain was there, so he came and he scolded him, if you are going to treat him like as an animal, maybe he will commit it to suicide also. And after that I completed my high school from my college and I left studies. And nowadays, because without education there is no job, no good money, so now I feel that if teacher has, you know, they has supported me at that time, then I should have a good, you know, platform at that time. And nowadays, now it's a big issue, because in our community, many of them are suffering from this kind of situation in school and colleges. The teacher should get education from the NGOs and CBOs who are working with MSM issues. They should not discriminate MSM people, because they are also having right to get a good knowledge for their good future. Everybody talks about HIV and AIDS infection, but we are trying to go beyond this. We also talk about mental health. If one is not mentally healthy, how that person can be healthy physically? So you can say it is a base of overall health. So it is very important. You can find mental health services for general population, but you can't find mental health services for LGBT community. Nobody is working with them, so somebody has to start by helping them to understand that what they are, there is nothing wrong in being that.
and that is going to improve their self-esteem. If they are able to accept themselves, they are going to lead a happy life, happy and healthy life. We want people to come with us to feel the pain of the community, to work for the community, so that we can bring a meaningful change in their lives. It would become easier if we work together. Kotis are the ones who are the most affected amongst the larger umbrella of MSM. If we have to want to catch hold of HIV, and if we want to control it, we have to reach to the population which are being most affected. When we see most of the targeted interventions run across the region, they are run by the organization which is not run by the communities which is affected. People don't connect to the beneficiaries they are providing the services, and that is why we chose to do this work. Not only HIV health intervention which we are running, we are empowering the communities, we are building the communities. Our larger goal is to build up the communities, to make them strong enough to take hold, to take charge of their own lives. I dream of the world where I can see people living with dignity. The society gives them the space, gives them the acceptance of devoid of whatever their sexuality is, whatever their identity is, whatever their gender choices is, they have the right to live with dignity.